हेलो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स ग्रुप पर। स्क्रीन पर क्वेश्चन गिवन ये है, दैट इज रिलेटेड टू द परसेंटेज डिस्काउंट। सक्सेसिव डिस्काउंट जब भी गिवन होता है, क्रमागत बट्टा और सक्सेसिव डिस्काउंट, ठीक है। क्रमागत बट्टा एंड सक्सेसिव डिस्काउंट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, एट अ फैक्ट्री आउटलेट ए फुटवेयर कंपनी एवरी आइटम इज अवेलेबल एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%। मीन्स इनिशियली 10% का डिस्काउंट है। 10% को फ्रैक्शन में हम क्या ले सकते हैं, 1/10, ओके। एंड चारू स्टार्टेड सेलेक्टेड फुटवेयर मार्क्ड फॉर 900 रुपीज। मार्क प्राइस कितना है उसका, 900 रुपीज है। देन व्हाइल पेइंग द बिल इट वाज फाउंड दैट द फुटवेयर वाज स्लाइटली डैमेज्ड, फॉर विच सी गोट अनदर डिस्काउंट ऑफ। दिस इज डीवन कंपल्सरी फॉर ऑल द आइटम्स एंड ड्यू टू डिफेक्टेड पीस ही गोट अनदर डिस्काउंट ऑफ 10%। 10% कितना हो गया, 1/10। सो इन केस ऑफ सक्सेसिव डिस्काउंट, दिस इज मार्क प्राइस एंड दिस इज द सेलिंग प्राइस, ओके। सक्सेसिव डिस्काउंट मतलब इनिशियली अगर 10% का डिस्काउंट है, परसेंटेज को हमेशा रीड आउट कैसे करते हैं, इस तरह से ये एरो बनाया मैंने। 10 का 10% कितना होता है, 1। मीन्स 10 का अगर 10 MRP है तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, 9 होगा, ठीक है ना। तो और सक्सेसिव डिस्काउंट को हम कर सकते हैं एज लाइक जो कंपाउंड इंटरेस्ट में करते हैं। सेकेंड टाइम भी उसको 10% का डिस्काउंट मिला, अगर 10 रुपये MRP था देन 9 रुपये उसको प्राइस मिलेगा। सो 100 रुपीज MRP होता तो वो कितना पे करती, 81 रुपीज पे करती। पर MRP कितना था, 100 नहीं होकर कितना है, 900, ओके 900 है। टू मेक 100 × 900, 100 को 900 बनाने के लिए हमें 9 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो मीन्स इसको भी हमें 9 से मल्टीप्लाई करना होगा। 972, सो 729 इज द एक्चुअल सेलिंग प्राइस विच इज चारू पे। चारू के लिए कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 729, दैट इज द ओवर ऑप्शन ए। सिंपली हम ये भी कर सकते थे, MRP कितना है, MRP है दैट इज इक्वल टू 900, ठीक है ना। 900 है, उस पर हमें सबसे पहले डिस्काउंट कितना मिला, 10% का, ठीक है ना। 900 का 90/100 मिल परसेंट हो जाएगा, देन जो एज सेलिंग प्राइस आएगा, देन अगेन 10% का डिस्काउंट, दैट इज 900। 20 से 20 कैंसिल आउट हो गया, 20 से 20 कैंसिल आउट हो गया, अगेन 729, 9 का क्यूब कितना, 729। सो यू कैन आइदर सेलेक्ट विच मेथड्स, कोई भी मेथड सेलेक्ट कर सकते हो, बट इसमें हमारे पास में कई बार यहाँ तो 10% था, दैट्स वाई कैलकुलेशन ईजी हो जाए, बट यहाँ हमारे पास में कैलकुलेशन जैसे 15% आ गया, तो 85 × 85 मल्टीप्लीकेशन लंबा हो जाता है। इस केस में इन केस ऑफ रेशियो एंड दिस मेथड बेस्ड ऑन रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ठीक है ना। रेशियो मेथड पे बेस्ड है, जिसके अंदर हमारे पास में कैलकुलेशन ईजी हो जाती है कंपेरेटिवली। तो ऑप्शन ए 729 इज ओवर राइट आंसर। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।